अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं लोगों को बताऊंगा पोटेंशियल रीच अनअवेलेबल क्या होते हैं। काफ़ी दफ़ा जब आप ऐड करने लगते हैं तो आपको जो है पोटेंशियल रीच अनअवेलेबल दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, किस वजह से दिखाई देते हैं, जो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। देखिए दोस्तों, पोटेंशियल रीच क्या होती है। पोटेंशियल रीच ये होती है कि जब भी आप इंटरेस्ट बेस पे या डेमोग्राफिक या बिहेवियर बेस पे आप टारगेट करते हैं, इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं दो या दो से ज़्यादा, तो उनकी जो आप इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं उनकी बेस पे जो ऑडियंस अवेलेबल होती है फेसबुक के पास, जो आपकी पोटेंशियल होती है, मतलब जो कि आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो सकते हैं, टोटल रीच वो आपको पोटेंशियल रीच की सूरत में यहाँ दिखाता है कि पोटेंशियल रीच जो है अपनी 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन है। तो इस तरह से जो है पोटेंशियल रीच के साथ वो आपको दिखाता है कि इतनी है अवेलेबल। लेकिन काफ़ी दफ़ा जब आप ऐड रन करने लगते हैं तो आपको दिखाई देता है अनअवेलेबल। वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें, और मेरे ग्रुप मैंने बनाया फेसबुक पे, फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप, ठीक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आपको लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा ग्रुप का, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास ग्रुप का लिंक अवेलेबल होगा, तो आप वो ग्रुप लाजमी ज्वाइन के लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। देखिए दोस्तों, जब आप टारगेट करने लगते हैं तो आपके पास ये जो पोटेंशियल रीच आती है वो, इसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न होती है वो होती है कस्टम ऑडियंस, ठीक है, क्योंकि कस्टम ऑडियंस वो होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं, या जो हमारे से पहले से हमारे से कोई प्रोडक्ट ले चुके होते हैं, या पहले से हमारे साथ अटैच होते हैं। हम उनको दोबारा जब रिटारगेट करने लगते हैं तो हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। तो ये जो एरर आता है मोस्टली पोटेंशियल रीच अनअवेलेबल, ये कस्टम ऑडियंस जब हम बनाने लगते हैं तब आते हैं। चाहे वो हम इंस्टाग्राम के लिए बनाएं, चाहे फेसबुक पेज के लिए बनाएं, या हम वेबसाइट विजिटर के लिए बनाएं, कोई भी बना सकते हैं। चाहे मोबाइल कस्टम ऑडियंस बनाएं, ठीक है, आप ऑफलाइन कन्वर्जन बनाएं, तो तब भी जो है ये आपको एड शो हो सकता है। क्योंकि जब आप कस्टम ऑडियंस बनाते हैं तो आपकी ऑडियंस जो है वो साइज़ कम होने की वजह से जो आपको एरर शो होता है वो यही होता है कि अनअवेलेबल। क्योंकि आपकी जो ऑडियंस जब आप सेलेक्ट करते हैं कस्टम ऑडियंस की, ठीक है, वो या तो 1000 से नीचे हो सकती है, इस वजह से आपको श्योर होता है, या फिर नॉट अवेलेबल, मतलब कि आपने बहुत नैरो टारगेटिंग की है, या आपके पास डाटा है ही नहीं जिसको आप, किसकी बेस पे आप कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं, तो इस वजह से जो है आपका पोटेंशियल रीच अनअवेलेबल शो होता है। तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इससे जो है आपके एड डिलीवरी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मीन के जब अगर आपके 1000 से नीचे भी हैं तब भी आप जो है उसे ऐड रन कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। उस पर आप बेस पे, इस बेस ऑडियंस पे आप लुकल लाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। इसमें भी आपको एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लुकल लाइक ऑडियंस बना के इसका जो आपकी जो पोटेंशियल रीच, आप इस जैसे लोगों को ढूंढ के अपनी ऑडियंस साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो लुक अलाइक ऑडियंस आप बना सकते हैं, इससे जो है आपके ऑडियंस का साइज़ बढ़ जाएगा, और जो आपकी ऑडियंस होगी बिल्कुल उस सेम एज़ आपके लोग फेसबुक आपके लिए ढूंढ के लाएगी, इससे जो आपका साइज़ बढ़ जाएगा। तो इससे जो है आप ऑडियंस लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कोई एड रन करने में कोई इशू नहीं होगा, आप एड रन भी कर सकते हैं, डिलीवरी भी हो जाएगा वो। लेकिन जो इसका सलूशन है वो जो मैंने बताया वो ये है कि आप जो है अपने एड्स को लॉन्ग टर्म के लिए चलाएं, लॉन्ग टाइम के लिए आप रन करें। आप अपनी बेस ऑडियंस पहले क्रिएट करें कि 5000 से अबव हो जाए, 1 लाख से अबव, जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा फेसबुक की तरफ से। जब आप कस्टम ऑडियंस बनाएंगे तो ये एरर भी आपको शो नहीं होगा। आप वेबसाइट विजिटर को टारगेट करना चाहते हो, आप कोशिश करें कि वो ज़्यादा हो, ठीक है, आप उनकी लुका लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। आप अगर फेसबुक के पेज पे जो ऑडियंस होती है आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, उनकी कस्टम बेस ऑडियंस बना रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा होने चाहिए। अब ये उन्होंने कि आप मतलब बिल्कुल लो ऑडियंस, जो स्लो मतलब ना होने के बराबर कम ऑडियंस होती है, तो उसको आप कस्टम ऑडियंस बनाएं, तो तब जो आपको ये एरर शो होगा। दूसरा जो है आप अपने टारगेट ब्रॉड ऑडियंस को करें, आप नैरो ना करें। आप मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्ट बेस पर टारगेट कर रहे होते हैं लेकिन वो नैरो कर देते हैं, बहुत नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ऑडियंस अनअवेलेबल हो जाती है। तो आप कभी भी नैरो, इतना नैरो ना करें कि इतना स्पेसिफिक ना जाएं कि आपकी जो है कोस्ट भी बढ़ जाए, ठीक है, आपकी ऑडियंस भी आपकी आपको ना मिले। कोस्ट भी इस वजह से बढ़ती है क्योंकि आपकी ऑडियंस नहीं होती, ऑडियंस ना होने की वजह से जो है फेसबुक को थोड़ा जो आपका बजट है वो जल्दी कंज्यूम करना होता है उन लोगों को सर्च करने के लिए। तो इस वजह से जो आप नैरो टारगेट ना करें। अगर आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करें तो आप कोशिश करें ब्रॉड ऑडियंस को करें, उसके बाद ऐसा आप नैरो जाएं, तो तब जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो इस वजह से जो है आप अपने एरर को रिजोल्व कर सकते हैं,
और आपको पता भी चलेगा होगा किस तरह कर सकते हो। तो आप मेरी वीडियो को, अगर आप नहीं पता चला तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। फेसबुक पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाके इसका लिंक ले सकते हैं।